दोस्तों मुंबई से नागपुर के बीच प्रपोज्ड बुलेट ट्रेन की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डीपीआर बनकर तैयार है और अब नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ये डीपीआर रेलवे बोर्ड को सौंप दी है। नमस्ते इंफ्रा टीवी की नई वीडियो में स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में मुंबई नागपुर बुलेट ट्रेन के बारे में समझेंगे, ये किन जिलों से होकर गुजरेगी और इसमें कितना खर्च आने का अनुमान है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। और दोस्तों अपने वीडियो के माध्यम से देश में चल रहे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बताते रहते हैं। अगर आप इन सारे प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले आपको बता दें, मुंबई नागपुर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर करीब 766 किलोमीटर लंबा होगा। इसका कंस्ट्रक्शन मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग के बराबर में किया जाएगा, जिसे महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बना रहा है। बात करें उन जिलों की जो इस कॉरिडोर में आएंगे, तो जान लें बुलेट ट्रेन की ये लाइन वर्धा, खापरी डिपो, पुलगांव, मालेगांव, जहांगीर, जालना, करंजा लाड, महकर, शिरडी, नासिक, औरंगाबाद, इगतपुरी और शाहपुर से होकर गुजरेगी। अधिकारियों के मुताबिक मुंबई नागपुर की ये डीपीआर मिड फरवरी में तैयार हो गई थी। 28 फरवरी को इसे भारतीय रेलवे बोर्ड को सौंप दिया गया और अब आगे के निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। 766 किलोमीटर लंबे मुंबई नागपुर कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन 350 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी। इस बुलेट ट्रेन का किराया क्या होगा अभी ये तो कन्फर्म नहीं है, लेकिन हाँ एक अनुमान के मुताबिक ये ट्रेन के फर्स्ट एसी क्लास किराए का करीब 1.5 गुना तक हो सकता है और इस पूरे प्रोजेक्ट पर 1,00,000 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। वहीं डीपीआर के मुताबिक ये बुलेट ट्रेन 10 जिलों से होकर गुजरेगी। इसके तैयार होने पर दोनों शहरों के बीच आने जाने में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। अभी जहां मुंबई से नागपुर आने जाने में करीब 12 घंटे लग जाते हैं, वहीं बुलेट ट्रेन से ये दूरी सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे में पूरी हो सकेगी। और अगर आप सब हमारी वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहे तो हम जल्दी 100K सब्सक्राइबर की दूरी भी कम कर देंगे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब मुद्दे पर आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई नागपुर के अलावा मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर भी तैयार कर रहा है। देश की पहली बुलेट ट्रेन यहीं पर चलेगी। इसके अलावा महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई और पुणे के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने की योजना भी तैयार कर रही है, जिसकी फीजिबिलिटी स्टडी पर काम शुरू हो चुका है, जो इंडियन रेलवे और महाराष्ट्र सरकार का एक जॉइंट वेंचर होगा। इसके साथ ही देश में 6 और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट प्रपोज्ड हैं। ये है दिल्ली वाराणसी, दिल्ली अमृतसर, दिल्ली अहमदाबाद, मुंबई हैदराबाद, चेन्नई बेंगलुरु मैसूर और वाराणसी हावड़ा। आपको क्या लगता है देश की पहली बुलेट ट्रेन कब तक शुरू होगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।